खबर है मिर्जापुर से, जहां स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा के संदेश के साथ मिर्जापुर नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। घंटा घर से निकली पदयात्रा में देश की आन बान और शान को लहराते जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। नगरपालिका परिषद अध्यक्ष मनोज जायसवाल के नेतृत्व में जन जागरण यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं, सभासदों, नगरपालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ही आमजन ने भागीदारी की। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प दोहराया गया। नगर के घंटा घर से निकली तिरंगा पदयात्रा पक्की सराय, पेटी का चौराहा, तुलसी चौक, गुड़हट्टी चौराहा, मुकेरी बाजार, गणेशगंज होते हुए लालडिग्गी स्थित पालिका के प्रधान कार्यालय पर संपन्न हुई। वहीं तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। डीजे पर बज रहे देशभक्ति गीतों परिवार तिरंगा ध्वज लेकर देशभक्ति धुनों पर तिरकते भी नजर आए। वहीं नगर की सड़कें भारत माता की जयकारों और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठी। डीजे के द्वारा हर घर पर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाने की अपील की जा रही थी। आगे दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। R9 भारत के लिए गौरव श्रीवास्तव की खास खबर। पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मिर्जापुर में भी हर एक घर में तिरंगा लहराए, भारत की आन बान शान तिरंगा है, उसे लहराने के लिए जो 13-14 को जो विशेष अभियान चलेगा, उसी दृष्टि से जन जागरण के लिए आज नगरपालिका परिषद मिर्जापुर के द्वारा तिरंगा यात्रा पैदल यात्रा के रूप में निकला था। घंटाघर से लालडिग्गी जो नगरपालिका का कार्यालय है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इसमें सभी हमारे माननीय सभासद, हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी, मिर्जापुर की जनता, सबको बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो इन सब के प्रयास से आज ये कार्यक्रम सफल हुआ। और सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि हर हालत में 15 अगस्त तक प्रत्येक घर में तिरंगा लहर जाए, तिरंगा फहर जाए।